परदादी खिला रहे अपना पोता के। मैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देती हूँ, बहुत तकलीफ देती हूँ। मैं घर में किसी के लायक नहीं हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के 9:30 बज गया है और चाय पानी हम लोग का हो गया। अभी हम चूल्हा के पास आ गए हैं, तो चूल्हा के पास अभी हम खाना रेडी कर रहे हैं। वैसे तो मछली रहते वाला बहुत ज़्यादा बचा हुआ, अभी हम दिखाएंगे। फिर भी अभी हम चावल और सब्जी बना रहे हैं, आलू बैंगन की सब्जी कृति के पास खाएँगे और अभी जस्ट निकलेंगे खाना खा के। बोले हैं जल्दी जल्दी बनाने के लिए, तो आलू बैंगन फ्राई कर रहे हैं अभी। चावल भी पसा लिए, मार गाढ़ा गाढ़ा है एकदम। पर दादी खिला रहे अपना पोता के। आई देखिए बहुत अच्छा से बोले के है, के है, चीन नहीं रहे। आँख से उनको उतना दिखाई नहीं ना देता है, इसी वजह से। इधर कीर्ति आज स्कूल भी नहीं गई। काहे नहीं गई है स्कूल? नहीं जाएंगे। इधर मम्मी अभी मालिश उलिश कर दिए हैं पोता के, या पोता दादी सब लोग अभी खेल रहे हैं। अभी ये भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से पहले उनका खाना रेडी करते हैं और उनको निकालते हैं। टाइम 1:30 बज गया है और अभी हम माथा में तेल दिए हैं और तब माथा के गूथे। इतना सारा केस निकलता है, इतना इतना रोज रोज। बेटा झूला में झूल रहा था, उठ गया है, रो रहा है। जाते हैं उसको ले लेंगे। और खाना पीना रात वाला बहुत सारा मछली बचा हुआ था, चावल। धीरे धीरे झूलाओ। तो सब सब लोग खाए हैं। पापा तो काम पे गए हैं सुबह से, अभी तक आईबो नहीं किए। मम्मी और कीर्ति के पापा सब लोग बैंगन की सब्जी बना दिए थे तो वो खाए थे। ननद बृहस्पत करती है, फिर भी आज मछली खा लिए, चावल खा लिए। बचल था तो बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे हम तो अभी बृहस्पत नहीं करते हैं, तो हम भी खा लिए हैं मछली और चावल। और कीर्ति के पापा तो चले गए हैं, वो चले गए, बोले कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। हम भी झगड़ा करके बेगला दिए, कहीं गलती वो करते तो झगड़ा हम करते हैं, तो चल गए हम। बेगलाए नहीं, वो अपना मन से गए तो जाए। वो चल गए हैं, वो दो गो मोबाइल लेके गए हैं। इसमें हमारा कैमरा ठीक से नहीं हो पाता है, बैक कैमरा, इसी वजह से हम बोले थे हमारा ले जाइए और नया वाला दे जाइए, नया जो लिए थे। तो बोले नहीं, तो नहीं दिए, तो इसी वजह से हुआ झगड़ा और दोनों मोबाइल लेके चले गए हैं। वैसे तो आजकल हमारा वीडियो बहुत ही कम ही जाएगा, क्या कि हमारा मोबाइल ही सही नहीं है और वो लेके चल गए हैं, तो पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, खाना पीना हो गया, अभी जाते हैं बेटा को उठाएंगे और यहाँ पे सोएंगे। वैसे तो नींद लग रहा है, कोई काम भी नहीं है, जो काम था सारा ख़त्म हो गया है। और इस बार देवर भी साथ में गए हैं, तो दोनों भाई एक साथ रहेंगे, ठीक रहेगा वहाँ पे। तो देखिए इधर झूला में हमारा बेटा अभी सो गया है, फिर से रो रहा था, फिर से सो गया है। तो इसको अभी ले जाएंगे वहाँ पे। दादी अभी टहल रहे हैं, इधर हमारे ननद भी सो गए, रात के सब थकल हैं। इतना सारा कपड़ा धोना बाकी, लाइन आएगा, पानी आएगा तो धोएंगे। अभी जस्ट झाड़ू लगा, कीर्ति खा के पूरे घिना दी। अभी भी सुबह वाला इतना सारा मछली बचा हुआ है, पतीला से एक पतीला बना था। इधर बर्तन उतर पड़ा हुआ है, पानी आएगा तो धोएंगे सब। जूठा है, भैंसी खाएगा। चूल्हा देखिए कैसा अवस्था। और इधर ये वाला चावल बना दिए थे टटका टटका, और ये वाला सब्जी आलू बैंगन के। और कीर्ति कृषि देखिए वहाँ पे है, दादी गए हैं घास लाने, गोदी में रो रहा है। अभी भी खाली खाना मांगता है, खाली भूख लगता है इसको, दूध मांगता है खाली। हाँ, एक मिनट नहीं सोता है, गोदी खोजता है, गोदी कहाँ से लेंगे हम। मेरे पति बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, सास ससुर, ये एक अच्छा बेटा भी है, भाई भी है, अच्छा एक पति भी है, लेकिन शायद मैं ही किसी के काबिल नहीं हूँ। पता नहीं मेरा ऐसा क्यों सोच गया, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हूँ, बहुत तकलीफ देती हूँ। हर एक चीज़ के लिए मैं उनको टॉर्चर करते रहती हूँ, जबकि उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं है, फिर भी मैं करती हूँ उनको। शायद हमारे टॉर्चर से उनको ज़्यादा तकलीफ होता है। अब नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं सोचूंगी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर, सब लग रहा है फट रहा है सोच सोच के। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते, नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं हमारा सोच कैसा हो गया। मैं घर में किसी के लायक नहीं हूँ।